हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिका अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम शहीद उद्धम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इंद्री। टुडे द टॉपिक इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगी और एक्सेप्शंस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सेप्शंस से अपना टॉपिक। तो बेसिकली देखिए, आपके पास C++ की प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, लाइक सिंटेक्स एरर। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, तो सिंटेक्स एरर क्या होता है? आपने प्रोग्रामिंग की और आपने फोर का लूप अगर स्टेटमेंट गलत लिख दिया, या आपको लग रहा है कि आपने इफ़ के लूप के स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर एरर जनरेट करता है, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपाइलर एरर। यानी कि जो एरर कंपाइलर आपको दे रहा है उसमें किसी भी तरह का एरर हो सकता है, लाइक आपके सिंटैक्टिकल एरर है। ओके, तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कंपाइलेशन टाइम पर डिटेक्ट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपका प्रोग्राम आपने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर ही नहीं है, बट जब आप उसे रन करते हैं तो रन टाइम पर आप इनपुट और आउटपुट नहीं कर पाते हैं। उसमें बेसिकली क्या रहते हैं, आपके रन टाइम एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं। रन टाइम एरर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का रन टाइम एरर आ सकता है स्क्रीन पर। अब रन टाइम एरर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो रन टाइम एरर कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी वन बाय वन। तो इन्हीं रन टाइम एरर्स को हम क्या के बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरर है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा एरर आ जाता है जो हम कंपाइल टाइम पे हैंडल नहीं कर सकते हैं। दोज एरर्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस और रन टाइम एरर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड बाय जीरो एरर और एक्सेस नल पॉइंटर। अब डिवाइड बाय जीरो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने C++ में कोडिंग की एंड यू आर राइटिंग इंटीजर सी इज इक्वल टू ए बाय बी, और अगर आपने बी आपका इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो सी क्या होगा? ए बाय जीरो। और प्रोग्रामिंग में डिवाइड बाय जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है, दैट्स वाई वो एरर आपके लॉजिकली ठीक होगा, आपके लिए आपके सिंटेक्टिकली वो ठीक है, बट अगर आप उसको देखें तो डिवीजन बाय जीरो एरर जो होता है वो हमारा रन टाइम एरर में आपको दिखाई देगा। तो दोज एरर्स आर टर्म्ड एज अ एक्सेप्शंस इन C++। अब आपने उन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है और आपके पास कौन से ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके C++ में एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब आता है वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों हुई, मैंने आपको बताया आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट ही मिस्टेक कर रखी है, आपने लॉजिक में कुछ ऐसा गड़बड़ कर रखी है जो कंपाइलेशन के टाइम पर आपको एरर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो हैंडल कहाँ होंगे? एक्सेप्शन आपकी रन टाइम में हो जाती हैं। तो आपको उनको एक्सेप्शंस को हैंडल करना है ईजिली, कैसे करना है C++ में, तो वो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए, When to use exception handling? Exception handling is not always appropriate for handling exception. For example, conventional method is better for input checking. जो आप generally method use कर रहे हैं input checking के लिए वो भी better है. When it is good, problem that occur infrequently. मतलब कुछ ऐसे है problem है जो infrequently है, मतलब कभी कभार, infrequently का मतलब होता है कि देखिए कभी कभार, मतलब frequently तो होता है कि मतलब बार बार हो रही, इनफ्रिक्वेंटली कभी कभार आने कोई एरर हो रहा है, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग तब यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम दैट डू नॉट नीड टू बी हैंडल इन द सेम ब्लॉक, आप प्रॉब्लम को उसी ब्लॉक में हैंडल नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक डिफरेंट ब्लॉक होता है जहाँ हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं। When it is good for setting up uniform techniques for error handling when many programmers work on a multiple modules. Basically देखिए, एडवांटेज भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, लाइक आपके पास डिवीजन बाई जीरो का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप उसको वाइजली हैंडल नहीं कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में और कहीं पर इन बिटवीन एक स्टेटमेंट आ जाती है डिवीजन बाई जीरो की, तो रन टाइम पर एक ऐसा एरर प्रोड्यूस होता है जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोडिंग में ऐड कर सकते हैं, सो दैट जब उसको हम रीड कर रहे हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग हो, आप उसको रीडेबिलिटी कर सकते हैं उसकी इंक्रीज। अदरवाइज एक्सेप्शंस आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन दे आर जनरेटेड बाय द सिस्टम। नाउ हाउ टू हैंडल द C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने किस तरह से करनी है, देखिए हमारे पास थ्री कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, वन इज ट्राई, सेकेंड इज थ्रो, थर्ड इज कैच। ये थ्री कीवर्ड्स आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में याद रखने हैं,
ट्राई का पर्पस, थ्रो का पर्पस और कैच का पर्पस क्या है, मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट में अलग अलग बताती जाऊंगी। देखिए, फर्स्ट आता है हमारे पास ट्राई ब्लॉक। ट्राई लिखना है आपने कीवर्ड और ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज है। देखिए, जो भी कोड आपको लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेप्शन हो सकता है, हम उसको ट्राई ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। लाइक आपको लग रहा है डिवीजन बाय जीरो की कोई स्टेटमेंट आ सकती है, लाइक मैंने अभी बताया इंटीजर सी इज इक्वल टू ए बाई बी लिखा आपको, तो डिवीजन हो रही है, अब इन बिटवीन अगर बी जीरो हो जाता है तो एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो हम उन स्टेटमेंट्स को ट्राई ब्लॉक में ऐड कर लेते हैं विच वी आर थिंकिंग दैट गोइंग टू बी जनरेट एनी रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम। तो हम उन स्टेटमेंट्स को कहाँ ले आएंगे, ट्राई ब्लॉक में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैच ब्लॉक। ब्लॉक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। कैच ब्लॉक का पर्पस क्या होता है, कैच इज यूज टू कैच द एक्सेप्शन। लाइक ट्राई ब्लॉक में तो आपने वो कोड ऐड कर दिया जिससे एक्सेप्शन रेज हो रही थी, कैच ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। कैच करने के बाद आपने क्या करना है, उस एक्सेप्शन से रिलेटेड आप क्या मैसेज जनरेट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। लाइक यू कैन प्रिंट दैट डिवीजन बाय जीरो इज अकरिंग इन द प्रोग्राम और डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। सो आप डिवीजन बाय जीरो या रन टाइम एक्सेप्शन में नल पॉइंटर या कुछ भी आपके पास लाइक एरे आउट ऑफ बाउंड का एरर है। एरे आउट ऑफ बाउंड एरर मतलब क्या होता है, लाइक आपने साइज दिया इंटीजर ए 10, एरे का साइज तो आपने 10 दे दिया लेकिन आप एक्सेस कर रहे हैं 11th एलिमेंट को, तो वो होता है एरे आउट ऑफ बाउंड एरर। ये एरर भी रन टाइम एरर में ही आता है। तो जब आपको लगे कि आपके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं विच कैन प्रोड्यूस अ रन टाइम एरर, हम उनको ट्राई ब्लॉक में ऐड कर लेंगे। और कैच ब्लॉक बेसिकली क्या करेगा, कैच ब्लॉक उन एरर्स को कैच करेगा और कैच करने के बाद उनको हैंडल करेगा। हैंडल का मतलब क्या है कि हम उसमें क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं आउटपुट, या आप उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना चाहते हैं वो आप कैच ब्लॉक में बता सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक डायग्राम है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल है, या आपकी क्लास हैंडल है, या आपका कैच फंक्शन है। देखिए किस तरह से है, ये ट्राई ब्लॉक है आपका। ट्राई ब्लॉक में आपने क्या किया, आपने वो स्टेटमेंट्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, जिनसे आपको लग रहा है कि रन टाइम एरर जनरेट हो सकता है, और यहाँ पर आपने थ्रो कर दिया है। थ्रो मीन्स आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, हम ट्राई ब्लॉक से उसको थ्रो कर देते हैं। अब थ्रो करने के बाद उसे कैच करना है। देखिए ट्राई थ्रो कैच, ट्राई ब्लॉक में आपने स्टेटमेंट्स से और थ्रो कर दिया उस एक्सप्रेशन को, लेकिन कैच करने के लिए हमें कैच का ब्लॉक चाहिए सो दैट उस एक्सप्रेशन को हम कैच कर ले और उसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करें। तो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आपने थ्रो किया एक्सप्रेशन को, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है क्लास में, अब उस कंट्रोल में कंस्ट्रक्टर है या कुछ भी जो उसको हैंडल कर रहा है, और कैच फंक्शन उसको कैच करेगा, और कंट्रोल कहाँ है आपके इस फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक इस स्टेटमेंट में आपको लग रहा है रन टाइम एक्सेप्शन है, आपने एक्सप्रेशन थ्रो किया, कैच ने उसे कैच किया और हैंडल भी किया एक्सेप्शन को, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक ओवरव्यू। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन किस तरह से हैंडल होगी, ये तो एक जनरली माइंड में एक इमेज क्लियर कर सकते हैं आप कि एक्सेप्शन में हैंडल करने के लिए क्या क्या है, बट बेसिकली ट्राई में क्या लिखना है, थ्रो क्या करना है, कैच में क्या पैरामीटर देने हैं, हर किसी का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। देखिए किस तरह से, ये आपका ट्राई ब्लॉक है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ। ट्राई ब्लॉक में देखिए क्या है, ट्राई द मेन लॉजिक पॉसिबली थ्रो एक्सेप्शन, ओके, इट कंटेन्स द कोड व्हेन एवरीथिंग गोज स्मूथली, द कोड हाउएवर मे हैव एक्सेप्शन, सो वी वांट टू गिव इट अ ट्राई, हम इसे ट्राई दे रहे हैं। इफ समथिंग अनयूजुअल हैपन, अगर कुछ अनयूजुअल हैपन होता है, द वे टू इंडिकेट इज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, आपको लग रहा है अगर कुछ अनयूजुअल होने वाला है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम थ्रो कर देंगे। अगर अनयूजुअल कुछ नहीं होने वाला ना, तो ट्राई ब्लॉक से ऐसा नहीं कि हर बार एक्सेप्शन रेज ही हो जाएगी, अगर कुछ हुआ ही नहीं अनयूजुअल, कुछ है ही नहीं रन टाइम एरर ऐसा उसमें, तो ट्राई ब्लॉक एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन, और आपका कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बट इफ देर इज एनी एक्सेप्शन, तो ट्राई ब्लॉक से थ्रो हो जाएगी एक्सेप्शन और कर्सर कैच ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी थी ट्राई ब्लॉक के बाद, वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी।
अब हमारे पास आता है थ्रो स्टेटमेंट, आपने कैसे देनी है। देखिए थ्रो का सिंटेक्स है थ्रो एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू टू बी थ्रोन। जो भी वैल्यू आप थ्रो करना चाहते हैं, जो आपको लग रही है एक्सेप्शन में है, आप थ्रो कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को देंगे। दिस इंडिकेट्स दैट एन एक्सेप्शन हैज़ हैपेंड इफ अ थ्रो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द ट्राई ब्लॉक इमीजिएटली एंड्स। जैसे ही थ्रो एग्जीक्यूट होगा ट्राई ब्लॉक आपका एंड हो जाएगा। द प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू मैच द एक्सेप्शन टू वन ऑफ द कैच ब्लॉक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वैल्यू थ्रोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए आप जब एक्सेप्शन थ्रो हो रही है तो उसकी कोई टाइप होती है। लाइक आपने एक वेरिएबल बी थ्रो किया और उसकी टाइप इंटीजर है, तो थ्रो बी, थ्रो क्या टाइप थ्रो कर रहा है, इंटीजर को थ्रो कर रहा है। अगर फ्लोट थ्रो कर रहा है तो फ्लोट कैच होगा। तो जो भी थ्रो करेंगे कैच उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लाइक आपके पास 3 4 कैच है, एक में इंटीजर कैच हो रहा है, एक में फ्लोट कैच हो रहा है, एक में स्ट्रिंग कैच, तो पर्टिकुलर मैच हो जाता है उसमें। लाइक आपने थ्रो के बाद जो एक्सप्रेशन दिया उसकी जो भी टाइप होगी कैच उसी के अकॉर्डिंग कैच करेगा। इफ अ मैच इज फाउंड द कोड इन द कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट। अगर आपके पास मल्टीपल कैच ब्लॉक है तो जो भी कैच मैच करेगा आपके थ्रो के एक्सप्रेशन के साथ वही कैच एग्जीक्यूट होगा। ओनली वन कैच ब्लॉक विल बी मैच्ड इफ एनी। अगर कोई होगा तो एक ही कैच ब्लॉक मैच करेगा। प्रोग्राम देन रिज्यूम आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा प्रोग्रामिंग आपकी उसी सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल में मूव करेगी। बोथ द एक्सेप्शन वैल्यू एंड कंट्रोल फ्लो आर ट्रांसफर्ड टू द कैच ब्लॉक। जो भी आपके एक्सेप्शन वैल्यू होगी और कंट्रोल फ्लो है वो आपका कैच ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया थ्रो स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया है ट्राई ब्लॉक के बारे में, ट्राई में आपने क्या स्टेटमेंट्स ऐड करनी है, थ्रो एग्जीक्यूट कब होगा और अगर थ्रो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कैसे मूवमेंट रहेगी प्रोग्राम में, थ्रो में क्या यूज़ करना है, थ्रो का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए और कैच उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे चलता है, कैच का कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो भी थ्रो के साथ मैच करेगा, और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कर्सर कहाँ मूव करेगा। अब आता है हमारे पास कैच ब्लॉक। वन और मोर कैच ब्लॉक फॉलो अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के इमीडिएटली नीचे एक या एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं। ईच कैच ब्लॉक हैज़ अ सिंगल पैरामीटर विद टाइप। ईच कैच ब्लॉक में आपका सिंगल पैरामीटर है और उसकी टाइप है। ईच कैच ब्लॉक इज एन एक्सेप्शनल हैंडल। हर कैच ब्लॉक एक एक्सेप्शन हैंडलर है। क्लियर। तो कैच ब्लॉक का सिंटेक्स आप नोट कर लीजिए, कैच कीवर्ड ब्रैकेट में टाइप, टाइप देनी है आपने इंटीजर फ्लोट जो भी टाइप होगी, और यहाँ पर पैरामीटर देने हैं कैच ब्लॉक के, पैरामीटर ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आपके पास है, और ये एक्सेप्शन हैंडलर कोड है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या कोड देना चाहते हैं। कैच ब्लॉक पैरामीटर कैचेस द वैल्यू ऑफ द एक्सेप्शन थ्रोन। ठीक है, जो भी पैरामीटर कैच कर रहा है उस वैल्यू को वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। एक्सेप्शन थ्रोन मैचेस वन ऑफ द कैच पैरामीटर। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, थ्रो से जो भी एक्सप्रेशन थ्रो किया जाएगा कैच उनमें से किसी एक को ही मैच करेगा। कैच एक ही मैच होगा जो भी एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगा। तो जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ट्राई थ्रो और कैच के बारे में, हम उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप ट्राई ब्लॉक में क्या ऐड कर सकते हैं, थ्रो कैसे करना है, कैच कैसे कैच कर रहा है, और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम कैसे सीक्वेंस में मूव करता है। तो ये हमारी ट्राई थ्रो कैच की समरी है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टूडेज लेक्चर। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, एक हेडर फाइल इंक्लूड किया आपने। इंटीजर मेन, देखिए मेन में रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हम रिटर्न 0 लास्ट स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। अदरवाइज आप वॉइड भी लिख सकते हैं, देन यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई रिटर्न 0 इन द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ट्राई, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ। देखिए आप ट्राई में क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है, इंटीजर एज इज इक्वल टू 15। बेसिकली प्रोग्राम क्या कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट या पर्सन की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि वो 18 से बड़ा है तो उसे एक्सेस ग्रांट किया जाएगा, अदरवाइज उसका एक्सेस डिनाई कर लिया जाएगा अगर वो 18 से कम है। और वहाँ मैसेज आना चाहिए यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। दो ही चीज़ें, सिंपल प्रोग्राम है, इफ से भी कर सकते थे हम ऐसे तो, बट डिपेंड करता है कि देखिए अगर आपकी कोडिंग यूज़र कोई और रन कर रहा है एंड यूज़र पर, तो उसे ये कंडीशंस नहीं पता ना 15 और 18 की, तो
अगर एरर जनरेट हो गया रन टाइम पे तो वो रीडेबल नहीं होगा, तो हम ये एक रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हैं। कोडिंग में देखिए अब क्या है, इंटीजर एज इज इक्वल टू 15, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है, सी आउट एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड एनफ। देखिए अगर आपने स्क्रीन पर एज एंटर की और वो एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो एक्सेप्शन रेज ही नहीं होगी और स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक्सेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड एनफ। बट इफ यूजर हैज एंटर्ड द वैल्यू लेस देन 18, सपोज 16 या एंटर कर दिया या 15, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी इनिशियल स्टोर है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स ब्लॉक में आप देख सकते हैं थ्रो एज क्या थ्रो हो रही है, एज थ्रो हो जाएगी। एज क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो भी वैल्यू रीड होगी वो थ्रो कर जाएगी। अब ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो गया, तो ट्राई के बाद इमीजिएटली आपने कैच ब्लॉक दे देना है। अब कैच ब्लॉक में कैच क्या करना है, जो आपने थ्रो किया है, थ्रो क्या किया आपने, एज को थ्रो किया है जो इंटीजर टाइप की है, तो कैच में भी टाइप क्या रहेगी, इंटीजर, और उसके बाद आप एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल दे सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने माई एन यू एम वेरिएबल दे रखा है। तो कैच क्या करेगा, इस एज ने जैसे थ्रो हुआ कैच इसको कैच कर लेगा बिकॉज बोथ हैव सेम डेटा टाइप। अब जैसे ही कैच हो जाएगा, अगर वैल्यू लेस है 18 है तो प्रिंट क्या होगा, स्क्रीन पर देखिए सी आउट क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक्सेस डिनाइड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो एक्सेस डिनाइड है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, सी आउट एज इज दिस, अगर आपकी एज 16 है जैसे 15 है तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एज इज 15, क्लियर। तो राइट नाउ एज 15 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, ट्राई ब्लॉक इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा ट्रू पार्ट को, कर्सर एल्स ब्लॉक में मूव कर जाएगा, एल्स ब्लॉक में थ्रो हो जाएगा, थ्रो से एक्सप्रेशन एज थ्रो होगा, ट्राई ब्लॉक के कंप्लीट होते कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एज यहाँ से कैच हो जाएगा और स्क्रीन पर ये मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे और यहाँ से लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी, रिटर्न जीरो। तो इसका आउटपुट देखिए, एक्सेस डिनाइड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एज इज 15। तो आप देख सकते हैं एज आपकी कितनी है, 15 है तो एक्सेस डिनाइड है। अब इसी तरह से आप चेक लगा सकते हैं किसी भी तरह का, अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो ही कोड एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली, अदरवाइज यहाँ पर एक्सेप्शन को आप इस तरह से कैच भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था आज हमारे पास जिसमें हमने ट्राई ब्लॉक थ्रो क्या करना है और कैच कैसे करना है उसके बारे में हमने सीखा। तो व्हाट आर द बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर, यू नीड टू लर्न अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाई नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर, why there is a requirement of exception handling, I have already told you about that, you have to learn about the try catch throw block, you need to understand about the try catch throw block and one example of try catch and throw, okay. Some questions are based on today's lecture, you can discuss with your class teacher. Question number one, what is an exception in C++ program? एक्सेप्शन क्या है, मैंने बताया आपको, आपने उसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट व्हाट अ प्रोग्राम डज व्हेन इट डिटेक्ट्स एन एक्सेप्शन, क्या होगा जब प्रोग्राम को एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है, मैंने अभी बताया आपको ट्राई ब्लॉक थ्रो ब्लॉक और कैच ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शन, क्यों ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ प्रोग्राम, एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हियर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्राई कैच एंड थ्रो। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द ट्राई कैच ब्लॉक इज ऑलवेज फुल्ली एग्जीक्यूटेड, आपको बताना है ट्राई कैच ब्लॉक का कौन सा ऐसा पार्ट है दैट विल बी ऑलवेज फुल्ली एग्जीक्यूटेड। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टुडेज लेक्चर, देर आर सम रेफरेंसेस, फर्स्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय स्टॉसअप एडिसन वेस्ले, ये बुक है पर्टिकुलर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जिसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो एग्जांपल हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्शनल C++ सटर एडिसन वेस्ले। नेक्स्ट C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी निकोले जोस्टिस एडिसन वेस्ले, और भी बहुत सारी बुक्स हैं C++ को रेफर करने के लिए आपके पास, लाइक रॉबर्ट लेफोरे की बुक है, ई बाला गोस्वामी की बुक है। बेसिकली लैंग्वेज सिंपल है एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगनर्स लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग,
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें मैं आपको फर्दर इसके बारे में बताऊंगी एक्सेप्शन हैंडलिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं दैट यू कैन लर्न. सो थैंक यू.